आज यहाँ पर बिग स्टॉक्स में चार चार स्टॉक्स लेके चल रहा हूँ मैं चार बिग स्टॉक्स लेके चल रहा हूँ सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे पता है नंबर्स कल आ गए थे और मैंने उसको पर सुबह रिव्यू बनाई है बहुत लोग कह रहे हैं नंबर्स कल आ गए थे मुझे पता है कल नंबर्स आ गए थे अल्ट्राटेक हमेशा नंबर्स के अगले दिन ज़्यादा रिएक्ट करता है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स है इंस्टीट्यूशनल स्टॉक है और उस पर आप सारे ब्रोकरेज से कॉल देखिए एक प्राइस टारगेट सबका ऑलमोस्ट एलेवन पर है ये हमारा बिग स्टॉक था आई थिंक चार दिन पहले hmm. हमने बात की थी कि वो जब आदित्य बिरला ग्रुप स्टॉक hmm. में कुछ एनिमल स्पिरट्स जागी हैं Hello. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अल्ट्राटेक सीमेंट था आई थिंक अब 9300 पे था अल्ट्राटेक का स्टॉक ऑलरेडी सात सौ चल चुका है हमारे उस उस दिन से लेकिन इसके बावजूद सबका व्यू पॉजिटिव है ग्यारह पाँच के टारगेट इसे कहते ना द बिग बॉस ये बिग बॉस है अल्ट्राटेक सीमेंट और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी एक्चुअली वैसे लग रहा है कि स्टॉक बहुत चला लेकिन कुछ खास चला नहीं है अगर आप इसका तीन महीने का चार्ट देखें तो ये स्टॉक कुछ खास चला नहीं तीन है तीन महीने में फ्लैट ही रहा है ये स्टॉक रिसेंट लो से जरूर रिकवरी आई देखिए तीन महीने का चार्ट आ गया आपके स्क्रीन पर एकदम फ्लैट है जहाँ तीन महीने पहले था आज एक्जैक्टली वहीं है बारह परसेंट वॉल्यूम कैगर की एक्सपेक्टेशन है ब्रोकरेज की और, और इसकी जो वैल्यूएशन है ना अभी भी वन डॉलर पर टन इंडिया की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी मिल रही है आपको पीक इकोनॉमी में वन डॉलर पर टन में जिसका पीक वैल्यूएशन हुआ करता था टू डॉलर्स पर टन सिंपल मैं लोगों को बोलता हूँ एक चीज़ को एक सिंपल समझ लीजिए और ऐसा स्टॉक जिसमें आप पैसा खोएंगे नहीं बनेगा ही पैसा देर सौ ठीक है इसके लिए हाँ अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो छोड़ दीजिए लेकिन अदरवाइज अच्छा एक और स्टॉक बाय द बायदविस्ट पर आपको नजर रखनी चाहिए वो है ग्रासिम क्योंकि वो आदित्य बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है पूरा का पूरा आदित्य बिरला ग्रुप अगर चल रहा है तो ग्रासिम भी एक और स्टॉक है जहाँ पर आपको फोकस रखना चाहिए लेकिन अभी बिग स्टॉक्स में हम अल्ट्राटेक लेकर चल रहे हैं टाटा केमिकल्स को रेड लेके चलूंगा क्योंकि बहुत लोग होप कर रहे थे कि टाटा केमिकल्स में इस बार कुछ टर्न अराउंड टाइप का आएगा टाटा केमिकल्स के नंबर्स लेकिन ख़राब थे ठीक है और ये थोड़ा सा स्टॉक वॉलेटाइल है काफ़ी चलता है तो सीधा 30 परसेंट गिरता है और सीधा 20 तीस परसेंट कोटक ने 770 सेवेंटी के टारगेट दिए वो थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव है मेरे ख्याल से इतना भी लो नहीं होना चाहिए क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है लेकिन ई में बारह से बीस का कट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया इन्होंने टाटा केमिकल्स के केस में लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर बिकॉज ऑफ उनका टाटा सन्स का वो जो कभी ना कभी तो उस पर कोई मूव आएगा उसकी वजह से इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है टाटा केमिकल्स की सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए लोअर लेवल पर हमेशा यहाँ पर बायर आ जाएगा hmm. एक वो क्योंकि उसको पता है कि देर सवेर वो वैल्यू अनलॉकिंग तो होनी है टाटा सन्स की आज नहीं होगी छः महीने नहीं होगी चार साल बाद तो होगी तो इसके लिए लोअर लेवल पर हमेशा यहाँ पर बाइंग आ जाती है इसके लिए स्टॉक ज़्यादा गिरता नहीं है लेकिन आज थोड़ा सा स्टॉक मुझे लग रहा है कि गिरना चाहिए प्लस कल ऑलरेडी ये गिर चुका है लेकिन इसको हम रेड लेके चल रहे हैं अभी के लिए क्योंकि थोड़े से जो ट्रिगर्स हैं वो थोड़े से कम पड़ रहे हैं यहाँ पर के कल आ गया था मार्केट आस में लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और रैली बाकी है आ, क्योंकि आपको याद होगा टाटा एलेक्सी के नंबर्स के बाद ये सब स्टॉक गिर गए थे सबको लग रहा था कि शायद सबके नंबर खराब आएंगे लेकिन के के नंबर अच्छे हम मैनेजमेंट से ही बात करेंगे यहाँ पर उन्नीस तक के प्राइस टारगेट लिए गोल्डमैन ने गुल का मानना है कि यहाँ पर उन्नीस के टारगेट हैं और बाईस परसेंट तक मार्जिन रह सकते हैं यहाँ पर और जो मतलब 20.5 परसेंट के एक्सपेक्टेशन के मुकाबले तो इसके लिए ये एक स्टॉक है जिस पर ये पॉजिटिव व्यू है मेरा हालांकि कल काफ़ी चल चुका है ये स्टॉक और फाइनली बिरला सॉफ्ट मुझे लग रहा है बिरला सॉफ्ट थोड़ा सा रेड लेके चल रहे हैं इसको hmm. क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस मिस है प्लस स्टॉक एक्सपेंसिव स्टॉक hmm. काफी एक्सपेंसिव है हालांकि नमूरा की एक्सपेक्टेशन अभी भी बाय की रेटिंग है 860 का प्राइस टारगेट है लेकिन ईपीएस कट किया है चार सौ नौ परसेंट इसके लिए इसको रेड में लेके चल रहे हैं दो ग्रीन दो रेड दो ग्रीन दो रेड ये आज के बिग स्टॉक्स आज के स्टॉक्स इन फोकस कोई अल्ट्राटेक कोई टाटा केमिकल्स कोई के पी आई टी कोई बिरला सॉफ्ट दो नतीजे कल जो आए थे उनका ब्यूटिफुल आकलन और जो कल शाम को आए नतीजे थे उनके रिएक्शन की तैयारी हम कर रहे हैं खैर ये स्टॉक सब चर्चा में आगे आएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी डिटेल में चर्चा कर ली ले जाएगी, लेकिन अब पैनल को दिखाइए सारे पैनल को गुड मॉर्निंग और रख दीजिए